अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मुफीस। अच्छा, तो आज की वीडियो जो है अगेन लव बर्ड की जो है प्रोग्रेस वगैरह मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह के जो है कुछ बर्ड का तीसरा क्लच चल रहा है, कुछ का जो है चौथा शुरू हो गया है, और बच्चे वगैरह निकल रहे हैं, साथ बेक भी रहे हैं। ज़्यादातर मेरे पास आपने देखा था कि अल्बाइनो रेड आइज़ हैं, और कुछ जो है कुछ स्प्लिट के पेड़ लगे हुए हैं। तो टोटल 5 पेयर हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, और पहले वाले बच्चे भी उनके ऑलमोस्ट बड़े हो चुके हैं। अगेन अंडे आके फिर हैचिंग भी स्टार्ट हो रही है, तो इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो लाइक जो है लाजमी करें। और जो भी आपके सवाल हो लव बर्ड से रिलेटेड या किसी भी बर्ड से, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर रिप्लाई नहीं कर सका तो मैं जो है उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ताकि मुझे जो है नए नए टॉपिक जो है सजेस्ट करें, ताकि मैं उस पर आपके लिए न्यू वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो वीडियो जो है शुरू करते हैं। ये वाला यहाँ पे पहला जोड़ा है, इसके पहले बच्चे निकले थे, वो वाले भी सेल हो गए। सेकेंड क्लच इसका भी जो है सेल हो गया, और अभी जो है इसका तीसरा क्लच चल रहा है। तीसरे क्लच में जो है इसने अंडे देना स्टार्ट किए हैं। इसमें अल्बाइनो रेड आइज़ का मेल है, अल्बाइनो रेड आइज़ का मेल है जो कि घर का है, और घर का पट्टा है, और इसके साथ जो है ब्लू फिश भी स्प्लिट इनो की फीमेल है। तो इसका जो है अभी तीसरा क्लच स्टार्ट हो चुका है, और ये फीमेल जो है अभी इसने अंडे देना स्टार्ट किए हैं। अभी यहाँ पे दिखाना, अगर उठ जाए तो मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या है। ये देखें, अभी इसने 2 अंडे दिए हैं, अभी दे रही है, और अच्छे से बच्चों को पालती है। और इसका जो लास्ट जो क्लच का इसका एक बच्चा था जो कि फीमेल बनी है, ब्लू फिशरी स्प्लेटिनो ही थी, और एक और साथ में इस पेयर का बच्चा था अल्बाइनो रेड आइज जो कि मेल था, वो मैंने सेल किया है कल ही। तो वो जो है मैंने जो पास ही जो है जो लड़का था उसको चाहिए था उसको दिया है मैंने। जोड़ा पट्टे थे, लेकिन जो है वो बड़े हो चुके थे ऑलमोस्ट 4.5-5 महीने के, तो उसमें जो है मेल फीमेल कन्फर्म हो गया था। तो होग्रोमो वगैरह की भी जो है ब्रीड आ रही है, इसके फिर अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ जो है इधर मेरे पास है अल्बाइनो रेड आइज, और ये भी घर का पट्टा ही, और उसके साथ पेस्टलिनो की फीमेल है जो कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने बाहर से ख़रीदी थी। उनका भी इस जोड़े का जो है दूसरा क्लच है। दूसरा क्लच इसलिए है क्योंकि ये पहले एक और के साथ पेयर बनी थी, वो मेल एक्सपायर हो गया था, ये ब्रीड पे आए हुए थे, फिर इसके बाद में मैंने इसके साथ पेयर अप किया, तो इसकी ब्रीड जो है लेट स्टार्ट हुई थी। पहले क्लच के बच्चे में से इसके पास इसमें से आए थे अल्बाइनो रेड आइज और ब्लू पेस्टल जो कि इस तरफ बंद है, वो फिर मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और इधर जो है इस फीमेल का अब ये दूसरा क्लच है, 7 अंडे दिए हैं, ये देखें ये डेट लिखी हुई है, और 7 अंडों में से एक खराब हुआ, 6 फर्टाइल हैं जिसमें से कुछ हैच हो चुके हैं और कुछ अभी हो, 2 अंडे जो है लास्ट रहते हैं और वो अभी जो है हैच होने। तो ये देखें, इसमें आपको नज़र आएगा कि 3 बच्चे जो है रेड आइज़ हैं और एक बच्चा ब्लैक आइज़ है, 2 अंडे अभी रहते हैं जो कि फर्टाइल हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है कल परसों तक हैच हो जाएंगे। फिर देखते हैं कि क्या तो ज़्यादा जिसकी रेशो आती है, पिछली दफ़ा भी ऐसे ही था कि इसके रेड आइज़ बच्चे ज़्यादा निकले थे। इसमें से क्रीमिनो भी निकलना है, आप देखते हैं, सब बच्चों में नहीं पता, जितना बड़ा होगा तो ही पता चलेगा क्रीमिनो कौन सा है और अल्बाइनो कौन सा है और कौन कौन से चेक्स इसमें से आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो है इसका भी अच्छा रिजल्ट है, और अच्छे से बच्चों को फीड वगैरह भी करवाता है ये जोड़ा। और ये देखें, ये फीमेल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेयर है, ये फीमेल है और अल्बाइनो रेड आइज़ इसका मेल है। तो काफ़ी जो है अच्छा बच्चों को पालते भी हैं और फीड वगैरह कराते हैं, और अच्छा मतलब ब्रीड भी बहुत अच्छी करती हैं। तो दूसरा क्लच है इसका, उसके बाद आ जाएं इस तरफ, ये मेरा सबसे पहला जोड़ा जो बड़ा जोड़ा है वो इस तरफ है। इसके पहले वाले बच्चे अभी मैंने अलग नहीं किए, वो साथ हैं, ये सेल्फ हो चुके हैं, लेकिन जो है मैंने इनको अभी अलग नहीं किया। अल्बाइनो रेड आइज़ नहीं, अल्बाइनो रेड टू रेड का पेयर है, और इस जोड़े का ये तीसरा क्लच है। तीसरे क्लच में जो है इसने अब दोबारा से अंडे दिए हैं, और सारे अंडे जो है इसके फर्टाइल हो चुके हैं, और ये देखेंगे बड़ी फीमेल है और 5 अंडे इसने दिए हैं, 5 भी फर्टाइल हैं, और इसकी हैचिंग भी स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए सारे फर्टाइल अंडे हैं, और तीसरा क्लच में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। पहले क्लच के बच्चे भी इसके अभी साथ ही हैं कुछ इस तरह, ये देखें बच्चों के साइज़ वगैरह भी, ये उसने कुछ प्लकिंग की थी जिसकी वजह से पैरस के थोड़े ख़राब हैं। ये मेल है और फीमेल दोबारा अंदर चली गई, ठीक, ये फीमेल है, ठीक है, काफ़ी अच्छे साइज़ की फ़ीमेल है और काफ़ी अच्छा जोड़ा है ये। तो मेरे पास ये अब इसका दूसरा सीज़न है, ये अच्छी ब्रीड कर रहा है। उसके बाद आ जाएँ इस तरफ, तो ऊपर की तरफ, इधर जो है ये बच्चे जो है इस जोड़े के नहीं हैं,
ये जो मैंने आपको नीचे ये वाला जोड़ा दिखाया है, ये बच्चे भी इसी जोड़े के हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा थे इस वजह से जो है इनको मैंने फोस्टर कर दिया। तो इसमें अल्बानो रेड इसके मेल है और फिशर की फीमेल है। इनके अंडे जो है मैंने एक दोस्त को दे दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि इसमें से ब्लू फिशर ही निकलने थे और स्प्लिट इन और स्प्लिट ब्लू होने थे। तो उस वक्त जो है इसने अंडे देना स्टार्ट किए थे, तो इन बच्चों को उठा के, क्योंकि ज़्यादा थे तो जो बच्चे निकले हुए हैं वो अभी मर न जाएँ, तो इस वजह से उनको बचाने के लिए मैंने इसके अंडे भी फर्टाइल नहीं हुए थे तो दोस्त को दे दिए, वो ले गया। और ये जो है बच्चे मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए और इसने बच्चों को अच्छे से पाला है। लेकिन इस जोड़े में इस फीमेल ने एक बुरी बात है कि ये बच्चों की प्लकिंग करती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, हेल्थ में भी अच्छे हैं, लेकिन ऊपर से पर अच्छे खींचती हैं, तो उस वजह से जो है इनका पता ही नहीं चल रहा, ऐसे लग रहा है कि वीक है, लेकिन जो है काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो दो अल्बाइनो रेड आइज़ हैं, एक ब्लैक आइज़ है, और जो ब्लैक आइज़ बच्चा है वो मैं अगला जोड़ा आपको दिखाता हूँ, वो उसका है साथ वाले पैर का। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये आगे एक जोड़ा है, इसमें से जो फीमेल है वो मेरे घर की अल्बाइनो रेड आइज़, और मेल जो है मैंने लाहौर से बाय किया था, ये सामने आपको ब्लैक आइज़ में जो नज़र आ रहा है ये मेल है। और इनके भी जो है ये तीन बच्चे हैं इस तरफ, और एक बच्चा इनका उस तरफ है जो कि ब्लैक आइज़ है, और बाकी तीन बच्चे जो है इस जोड़े के रेड आइज़ है। तो मेल जो है स्प्लेटिनो है, और काफ़ी अच्छे साइज़ के बच्चे हैं इनके, और ये देखिए सारे अब ये एक ही जगह पे घुस रहे हैं, और इनका भी जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, और मुझे जो है काफ़ी इसका रिजल्ट पसंद आया। तो मैं आपको बच्चा भी पकड़ के दिखाता हूँ इसका, तो ये देखें अल्बाइनो रेड आइज, और सारे ही तकरीबन ये सेल्फ हुए हुए हैं, अभी प्रॉपर सेल्फ नहीं हुए, इसलिए मैंने इनके पैर के साथ ही इनको रखा हुआ है, ताकि जो है ये अभी माँ बाप से भी फीड ले रहे हैं और ख़ुद भी खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब ये खुद खाना स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपर वे में, तो फिर इसको मैं इन बच्चों को जो है इनसे अलग कर दूँगा। तो ये रहा बड़ा जोड़ा, और साथ ये रहे इसके बच्चे। ठीक है, और इनके बॉक्स वगैरह मैंने उतार दिए हैं, उनको साफ़ करके रख दिया है, ताकि जो है ये बच्चे प्रॉपर सेल्फ हो जाएँ, फिर मैं इनको लगा दूँगा। और अब मौसम चेंज हो गया है, गर्मी जो है आती जा रही है, तो बॉक्स लगाऊंगा, तो एक आध बार ये और ब्रीड करेंगे मे भी शायद, तो फिर उसके बाद जो है एंड हो जाएगा सीज़न। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी दिन को तो गर्मी होती है, रात को मौसम अच्छा हो जाता है काफ़ी और बेहतर। तो ये है जोड़ा, और ये है इनका रिज़ल्ट, और काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा रिजल्ट रहा है, और इस दफ़ा काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मुझे जो है देखने को मिली, और मुझे मैं ख़ुद काफ़ी जो है पसंद। ये देखें अभी कंफर्म स्प्लेटिनो है, तो ज़्यादा बच्चे इसने रेड आइज़ निकाले, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा ही हर स्प्लेटिनो ही ज़्यादा रेड आइज़ निकाले, ऐसा भी हो सकता है कि कभी जो है ज़्यादा जो है ब्लैक आइज़ बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन ये होता है कि मतलब स्प्लेटिनो में से रेड आइज बच्चे जो है आते हैं, लेकिन अगर आपका स्प्लेटिनो जो है वो कन्फर्म है कि स्प्लेटिनो है तो आएंगे, वैसे जो है अदरवाइज नहीं आते। ठीक है, तो ये थी प्रोग्रेस वगैरह कुछ जो कि मैं आपको दिखा रहा था। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ही बच्चे हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इस तरफ भी हैं, और एक और इस तरफ ये भी पेस्टेलिनो की बटपटा निकला था जो कि फीमेल है, और ये जो है अब रहती है, ये भी फास्ट सेल, अगर किसी को चाहिए हो तो मिल जाएगी। और बच्चे जो रेड आइज़ निकल रहे हैं वो भी फास्ट सेल हैं, वो भी अगर चाहिए हो तो मिल जाएंगे। कुछ सेल्फ होने हैं, कुछ सेल्फ हो चुके हैं, जैसे जैसे होते जाएंगे तो फिर मैं जो है इनको सेल करूँगा। तो जिनको चाहिए हो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगा, और मैं आपको बता भी देता हूँ मेरा नंबर है 0315-48-38-880। ठीक है, तो आप इससे पे व्हाट्सअप भी है, इस पे कॉल भी कर सकते हैं, और बर्ड जो है ले सकते हैं। तो इनका अच्छा रिजल्ट है, इसके बाद मैं जावा की वीडियो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, और जावा का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जावा का चौथा क्लच चल रहा है, पहले तीन क्लच जो है उसके बिक चुके हैं, और उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।